गाइस फाइनली आ गया है एसोस की तरफ से मेल मुझे, और आप लोगों का बहुत सारा मैसेज भी मुझे आया और साथ में मेल्स भी आए इसी के रिगार्डिंग, यानी पाई का अपडेट आ चुका है, लिंक मिल गया है, और बहुत से अपने आईफोन अनबॉक्स के मेंबर ने मुझे लिंक भी शेयर किया है मेल के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा। इवन इंस्टाग्राम पे भी मैंने मैसेज देखा, फेसबुक से भी मुझे कुछ मैसेज आया। तो गाइज ये है वो मेल एसोस की तरफ से, और ये है लिंक सर्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप प्लान कर रहे हो इसे फ्लैश करने का तो मैं आपको बोलूँगा फटाफट डाउनलोड करके रख लो, अगर आपको बाद में भी इंस्टॉल करना है तो डाउनलोड करके रख लो क्योंकि ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो गाइज ये मैंने जो फाइल है ये डाउनलोड कर लिया है और आपको दिखाता हूँ। ये फाइल है प्रॉपर्टीज 1.51 GB का, राइट। अब मैं फाइल ठीक से डाउनलोड हुआ या नहीं एक बार इस पर टैप करता हूँ, तो ये ओपन हो गया यानी ठीक से डाउनलोड हुआ है। तो गाइस इसे अभी मुझे इंस्टॉल करना है और सबसे पहले मैं इसे फोल्डर के अंदर से बाहर निकालूंगा। तो मैंने फोल्डर से बाहर निकाल दिया, ये आप देख सकते हो। और अब वापस से मैं जाऊंगा सिस्टम अपडेट में, और अभी मुझे नहीं दिखेगा पता है मुझे, तो मुझे फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये शायद फिर कोई मैसेज किसी ने भेजा, तो गाइज ऐसे नहीं दिखाएगा मुझे पता है, तो एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड, तो फाइल डिटेक्ट हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो ये लिंक है, लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये ओपन होता है पेज और यहाँ आपको एक ज़िप फाइल मिल जाएगा और दो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। हाउ टू एक में होगा मेरे ख्याल से कैसे इंस्टॉल करना है और दूसरा होगा बग का रिपोर्ट, आपको कैसे करना है रिपोर्ट बग, राइट। और ये है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ओके। तो ये तीन फाइल आपको मिल जाएगा इसमें, और उसके बाद और भी डिटेल है बट मैं इसको बाद में देख लूँगा। और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं स्टॉक रॉम में ही हूँ और स्टॉक रिकवरी भी है मेरे फ़ोन में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लास्ट बिल्ड में हूँ 340 में। अब मैं इस पर टैप करता हूँ, ओके, सेलेक्ट अपडेट पैकेज, ओके, सिस्टम अपडेट अवेलेबल, ओके, एंड एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट। तो ये स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद फ़ोन रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट के बाद हम पाई देख पाएंगे ऑफिशियल पाई अपने मैक्स प्रो M1 में फाइनली। गाइस आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो एक्साइटमेंट भी है और रिलीफ भी, रिलीफ इसलिए कि अब शायद आप लोग दूसरा टॉपिक जो है मेरे दूसरे वीडियोस को देखोगे, पाई की तरफ से आपका ध्यान हटेगा, तो मेरे लिए अच्छा है, आईफोन अनबॉक्स के लिए अच्छा है कि आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख लिया करोगे। दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं एंड्रॉयड पाई ऑफिशियल बीटा अपने मैक्स प्रो M1 में, और अगर इस बार जेस्चर जो है पाई जेस्चर नहीं मिला तो मैं अपना M1 तोड़ देने वाला हूँ। मजाक कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। स्वाइप अप होम और मिल गया, वाओ। तो गाइज ये है पहला लुक एंड्रॉयड पाई का मैक्स प्रो M1 में, और थोड़ा सा अटपटा है यहाँ पे, पहले ही मुझे एक बग दिखा, ये पता नहीं बग है या एसुस का नया स्टाइल है। आप देख सकते हैं 3 बटन वाला और साथ में पाई जेस्चर, दोनों एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, होम बटन एंड पाई जेस्चर का। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एसुस की तरफ से शायद थोड़ा सा यूनिक स्टाइल दिया गया होगा। तो गाइज ये है पहला लुक, मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट फ़ोन, और अबाउट फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 9.0। तो गाइज फाइनली पाई आ गया है मैक्स प्रो M1 में, और चेंजेस क्या है सारा डिटेल जो है, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, आप देख सकते हो टाइम 12 बज गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का वेट करना चाहिए, सुबह मैं आपको इसके बारे में या फिर एक दिन के बाद डिटेल जो है इसका शेयर कर दूंगा। डार्क थीम काम नहीं कर रहा है एंड कुछ और चीज़ें भी है, चेक करूंगा मैं, चेक करने के बाद आपको अपडेट कर दूंगा। और आपको अभी इसे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं बता दूंगा, अगर कोई मेजर बग नहीं दिखा तो डेफिनेटली आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए।
अगर आप चाहो तो फटाफट इसे इंस्टॉल कर लो, चाहो तो आप वेट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कल शाम तक या फिर परसों आपके साथ शेयर कर दूँगा सारा डिटेल क्या मुझे इसमें दिखा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर मैं एक्साइटमेंट में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच।